हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रामर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव। उसकी पहली वीडियो में हमने आपको बताया था प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव की। अब इसको हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी जो पहचान है, पहचान में आपको वाक के अंत में रहा है, रहाई है, रहे हैं, आते हैं, कुछ क्रियाओं में रहा है और रही है, रहे हैं, आते हैं, लगता परंतु के कॉन्टीन्यूअस टेंस की क्रियाएं होती हैं। जैसे अगर पहचान में अगर आपको जो वाक दिया गया, वाक के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, कुछ क्रियाओं के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, आते हैं, परंतु, लगता परंतु कॉन्टीन्यूअस टेंस की क्रियाएं होती हैं। मतलब अगर जो आपको ऐसे वाक लास्ट में मिल जाए, लास्ट वाक के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं मिल जाए, तो समझ लो आपके कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। अब जैसे खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है आदि। अब इसके हम उदाहरण में बात करेंगे। उदाहरण निकल के आ रहा है कि वह कमरे में है, मतलब सी इज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठा है। किताब मेज पर रखी है, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। मतलब किताब मेज पर रखी है तो द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। रखी का मतलब लाइंग और मेज का मतलब टेबल, मतलब द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। अब वहीं पर हम बात करेंगे उसका नियम, कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार में इज एम आर में कोई एक आता है, मुख्य क्रिया के, मुख्य क्रिया में आई एन जी लगाते हैं। अगर नियम में ये लिखा है कर्ता के अनुसार में इज एम आर में से कोई एक आता है, मुख्य क्रिया में आई एन जी लगाएंगे। अगर एम, अगर आर है तो आई एन जी लगाएंगे, इज है तो आई एन जी लगाएंगे और एम है तो आई एन जी लगाएंगे। मतलब कर्ता के अगर जो अनुसार है उसमें अगर इज एम आर आ रहा तो मुख्य क्रिया में आई एन जी जरूर लगाएंगे। यह हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पॉजिटिव का। उसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट अफर्मेटिव टेंस का, पॉजिटिव का। आई होप कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी मेरी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।